जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तब तो यह निश्चय सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को कि उन्होंने ऐसी युक्ति है, इस रण के कारण ही शायद मेरी उस ऋण से मुक्ति है। यह मौत नहीं है मोक्ष है, बैर नहीं अनुराग है, अरे वो भी हो तीर भी उनका हो, भक्तों के लिए सुहाग हो। सतना में हर वर्ष दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और कई स्थानों में रामलीला का मंचन होता है। ऐसे ही एक रामलीला के वरिष्ठ कलाकार ददोली पांडे, जिन्हें रावण के किरदार में बहुत सराहा जाता है, हर वर्ष रामलीला मंचन में श्री राम के किरदार से ज्यादा इनके डायलॉग्स में तालियां बजती हैं। उनकी रामलीला की यात्रा 12 वर्ष बाल काल में बिहारी रामलीला समाज से हुई थी। लोकल 18 से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब वे राम का रोल करते थे तब लोग उन्हें ज्यादा नहीं जानते थे, परंतु रावण का किरदार निभाने के बाद शहर भर में उनकी ख्याति बढ़ती चली गई और तब से वो रावण का किरदार निभा रहे हैं। 35 वर्षों से रावण का किरदार निभा रहे ददोली हर वर्ष रामलीला का मुख्य आकर्षण का केंद्र बनते हैं। उन्होंने बताया कि रावण का किरदार निभा के उन्हें आत्मिक सुख मिलता है और लोगों की तालियां रूपी स्नेह देख अद्भुत आनंद मिलता है। मेरा नाम ददोली पांडे है। मैं पहले भरत जी का रोल करता था, उसके बाद फिर मैंने राम जी का रोल किया। अब इधर लगभग 35 वर्षों से मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा जब मैं राम के रोल में था तब शहर के लोग मुझको नहीं पहचान पाते थे। रावण का रोल जब से मैंने किया तो मेरी एक पहचान बनी शहर के अंदर और लोगों का इतना मुझको स्नेह मिला कि जिसके कारण मुझे आत्मिक सुख मिलता है रावण के किरदार में, और लोगों का स्नेह भी जब मिलता है तो अद्भुत आनंद मिलता है। छोटा था, मेरे अभिभावक लेकर के गए बिहारी जी के मंदिर, वहाँ पर रामलीला की रिहर्सल चल रही थी, तो मैं और मेरा भतीजा भगवान की स्तुति कर रहे थे संस्कृत के श्लोकों से। उन लोगों ने देखा, बोला यार बच्चे बढ़िया हैं, इनको हमको रामलीला में दे दीजिए। तो हम लोगों से पूछा तो हमने हाँ कर दिया, तो पहले वर्ष मुझको भरत का काम दिया गया। मेरा काम अच्छा था तो दूसरे वर्ष से मुझको राम के रोल में वहाँ पर काम करना मैंने शुरू किया। जब मैंने पहली बार शुरू किया उस समय मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष की रही, मेरी 63 वर्ष की। मेघनाथ का काम किया और बाणासुर का काम किया। शुरू शुरू में जब मैं राम जी के पात्र से पृथक किया गया तो शुरू शुरू में महिलाओं का पात्र भी करता था। केकई का रोल मैंने, ऐतिहासिक केकई का रोल मैंने किया है, लोगों ने बड़ा पसंद किया, जो मर्यादा को स्थापित करता समाज में। मेरा सभी से अनुरोध है कि ये सनातन की संस्कृति को अगर जिंदा रखना है तो रामलीलाओं को जिंदा रखना पड़ेगा, और आज की नौजवान पीढ़ी बढ़ चढ़ के रामलीलाओं में हिस्सा ले, और ये इससे अच्छा होगा कि जो रास्ते रास्ते जय श्री राम करके लोगों को आतंकित करते हैं, इससे अच्छा है कि रामलीलाओं के माध्यम से राम की मर्यादा को समाज में स्थापित किया जाए। समाज में काम करने वाले लोग भी इससे जुड़े और नौजवान पीढ़ी भी इससे जुड़े, जिससे जो हमारी परंपरा है ये जीवित रहे। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।